हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुबह उठ के पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। सो बहुत बार आपने ये सुना होगा बहुत लोगों से कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई याद रहेगी। सो क्यों करने चाहिए, इसके जो रीजंस है, कारण है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, अगर आप बहुत रात में बैठ के अगर करना चाहते हो स्टडी या पढ़ाई, तो इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करते हो, राइट, बहुत सारे लेसन्स आप पढ़ते हो सकता है कि उसकी वजह से आप शायद उतनी अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन ना कर पाओ, एकाग्रता से वो पढ़ाई ना कर पाओ। पर अगर सुबह करोगे तो सुबह वैसे भी हम जब सोए हुए होते तो कोई बाकी ख्याल आपके मन में नहीं होते हैं, तो सुबह उठने के बाद पहला ख्याल जो आता है वो है पढ़ाई का, तो जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छी होने में मदद होती है। सो सबसे पहले तो ये होता है कि कोई और ख्याल आपके मन में नहीं आता है पढ़ाई के अलावा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे ज़्यादा काम कर सकता है सुबह में। अगर आप देखोगे कि जैसे आपके माँ पापा है या आपके भाई बहन है जो बड़े हैं आपसे, जो घर पे काम करते हैं या फिर बाहर जाके ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो एक तरफा देखा गया है कि सुबह का जो वक्त होता है, सुबह के वक्त में जितना काम हो सकता है उतना दोपहर या शाम के वक्त में नहीं होता है। आपका ब्रेन बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर चुका होता है, जिसकी वजह से शाम या दोपहर में की जाने वाली पढ़ाई आपको दो या तीन बार वापस से पढ़नी पड़ती है। बट सुबह कैसा होता है, सुबह वही एक काम होता है जो आप करते हो, जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपको एक बार पढ़ के सब कुछ याद रह जाए। सो ये दूसरी बात है क्यों सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर सुबह पढ़ाई करोगे तो आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेन बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें होती है, जिस ऊर्जा को आपके पढ़ाई में वो इस्तेमाल करता है। हाँ, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे भी ऐसा ही होता था कि रात को पढ़ना अच्छा लगता है, बट एक दो बार मैंने सुबह उठ के देखा और मुझे जो सब्जेक्ट्स, विषय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो विषय मैंने सुबह में पढ़ने की कोशिश की और मुझे ज़्यादा जल्दी याद भी हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो था कि मुझे पढ़ाई करना है। सो इसके लिए अगर सुबह उठ के करोगे तो आपकी याददाश्त स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से याद में रख पाते हो जो भी पढ़ाई कर रहे हो। साथ ही साथ अगर सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो शाम का जो वक्त है वो आप खेलने के लिए जा सकते हो, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आपकी स्कूल जो है वो आप लेके चलते हैं कि 3:30-4 बजे तक होती है, उसके बाद आप घर आओगे, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, उसके बाद आप पढ़ाई के लिए बैठोगे, तो 5 बजे आप पढ़ाई के लिए बैठोगे। 5 से 8 अगर पढ़ाई करोगे तो आप खेलोगे कब? सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल कूद में भी अच्छा होना है, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी करनी है तो आपको आपकी बॉडी अच्छी रखनी भी ज़रूरी है, तो खेल कूद नहीं कर सकते। अगर सुबह में करोगे, सुबह में 3 घंटे, शाम में 2 ही घंटे करोगे, तो फिर भी 1 घंटा जो बचता है उसमें आप खेलने के लिए जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए भी काम करेगा। साथ ही साथ सुबह जब भी आप पढ़ते हो और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो वो रोशनी जो होती है वो सूरज की रोशनी होती है, जिसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है, क्योंकि अगर आप ट्यूबलाइट या बल्ब में पढ़ाई करोगे तो उसके जो वेव्स है उससे काफ़ी बार तकलीफ़ हो सकती है और आँखों की भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कितना भी कर लो फिर भी वो जो रोशनी रहता है और सूरज जो रोशनी रहता है उसमें फ़र्क तो डेफिनेटली होता है। तो सूरज की रोशनी में अगर करोगे तो आपकी आँखों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। और सुबह उठने के बाद ना कैसा होता है, मुझे ये बहुत फील हुआ था या मुझे ये इसमें बहुत अच्छा लगा था कि सुबह सुबह पता है कि आपका ब्रेन थोड़ा सोया हुआ होता है, दिमाग थोड़ा सोया होता है, क्योंकि आप कुछ सोए हुए होते हैं पहले, बट क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से उठ के सुबह पहली चीज़ वो करते हो, पढ़ाई करते हो, तो जिसकी वजह से आप दिन भर पढ़ाई के मूड में भी रहते हो, पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी होती है,
ट्राई करके देखो, सुबह अगर आप पढ़ाई करोगे तो दिन भर आपको पढ़ने का मन करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो सुबह सबसे पहले जो चीज़ करता है वही चीज़ बार बार दोहराने की कोशिश वो करता है। सिंपल एग्जांपल है, बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि सुबह उठने के बाद पहली चीज़ वो करते हैं मोबाइल फ़ोन हाथ में लेते हैं। तो अगर सुबह जो पहले बार उठने के बाद आप अगर मोबाइल फ़ोन हाथ में लोगे तो जाहिर सी बात है कि दिन भर में आप वापस से वही चीज़ करोगे, तो काम होगा या ना होगा फिर भी आप मोबाइल फ़ोन ही हाथ में लोगे। उसका उल्टा, अगर सुबह सुबह पढ़ाई करोगे तो दिन भर में पढ़ाई करने का आपकी इच्छा बहुत दुगनी हो जाएगी। सो इस प्रकार से आप अगर सुबह उठ के करोगे पढ़ाई तो बहुत अच्छी रहेगी, आपको शाम का वक्त भी मिलेगा और पढ़ाई याद भी रहेगी, मार्क्स अच्छे भी आएंगे। सो बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह उठने के, तो एक बार करके देखो कैसा लगता है। और मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है सुबह उठने के बाद, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी होती है, आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है सुबह में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी रह जाती है। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।